नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम नवरात्रि स्पेशल बहुत ही टेस्टी ब्लेस्ड ऑयल में बहुत ही हेल्थी तरीके से नाश्ता बनाएंगे जो कि सभी को बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बोल लिया है और हमने लिए ये पिसे हुए समा के चावल हैं। हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, अच्छे से पीस लिया है बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। तो ये एक कटोरी जो है हम अपने बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही हमने ये साबूदाना लिया है, इसको भी हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में फाइन पीस लिया है। तो ये भी इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 चम्मच। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें और छोटा पीस 1/2 इंच अदरक का, उसको हमने पीस दिया है। इसके साथ ही इसमें हम मसालों में डालेंगे सबसे पहले नमक। नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/3 स्पून और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें 1/3 कटोरी दही की। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे पानी। जिस कटोरी में हमने चावल की मेजरमेंट ली थी उसी कटोरी से हम पानी डालेंगे। धीरे धीरे करके पानी डाल लेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, थोड़ा पानी और डाल लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल लम्स फ्री जो है घोल बनाएंगे। ये घोल हमने बनाकर रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी किसी तरह के लम्स नहीं रहने चाहिए। ये देखिए घोल हमने बना लिया है। इसको अब हम ढक देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और उसके बाद जितनी देर हमारा बैटर जो है रेस्ट पे है हम अपने टिन को ग्रीस कर लेते हैं। रिफाइंड ऑयल डालेंगे चारों तरफ। टाइम में हमने पानी डाल दिया है। पानी डालकर हम इसमें स्टैंड रख देंगे और इसको बॉइलिंग 10 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, जैसे कि ये पानी पी लेता है तो काफ़ी गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी। ये चीनी हमने घर में ही पीसी है, ये डाल देते हैं इसमें। मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे लास्ट में 1 चम्मच इनो, या आप 1 पाउच इनो का भी डाल सकते हैं। इनो डालने के बाद हम इसके ऊपर ही थोड़ा सा स्पून की हेल्प से 1 स्पून पानी फैला देंगे। आप देख सकते हैं बबल निकलने लगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इनो सॉल्ट को व्रत में लिया जा सकता है। तो ये रेडी हो गया हमारा बैटर। ये जो हमने टिन ग्रीस किया था बैटर को इसमें डाल देंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, स्टैंड के ऊपर इसको रख देंगे। इसको कवर कर देंगे इस तरह से और इसके ऊपर एक नैपकिन डाल देंगे ताकि इसकी स्टीम जो है बिल्कुल भी बाहर। इसको हम 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे, फिर चेक कर लेंगे। पहले 5 मिनट इसको तेज गैस पर स्टीम करेंगे, उसके बाद गैस को लो मीडियम में कर देंगे। इसको हमने नैपकिन के साथ कवर कर दिया ताकि इसमें से स्टीम बिल्कुल ना निकले। पर ध्यान रहे कि ये हमारा जो नैपकिन है ये जलना नहीं चाहिए, थोड़ी दूरी पर इसको रखें। ये मैंने उन लोगों के लिए करके दिखाया है जिन लोगों ने मुझे बहुत से कमेंट में बहुत से मैसेजेस डाले हैं कि जिनके पास नहीं है ऐसा स्टीम करने के लिए कुछ, तो उनके लिए मैंने ये ऑल्टरनेटिव बनाकर उनको बताया कि किस तरह से आप घर पर किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, हल्की गैस पे हमने इसको पका लिया है। चेक करते हैं, अच्छे से ये बन चुका है, बहुत ही परफेक्ट बना है। इसको अब हम ठंडा करेंगे फिर निकाल। एक पैन लेंगे, इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हम अपनी 2 कटी हुई हरी मिर्चें क्योंकि हमने बीच में से आधी आधी काटी हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे करी पत्ता, धोकर काट कर हम अच्छे से इसके ऊपर डालेंगे। इसको भुलाएंगे हल्के हाथों से, पीछे हो जाएंगे तो इसकी चीटें जो है बहुत पड़ती हैं। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे देखी मिर्च तकरीबन 1/3 स्पून और गैस को बंद कर देंगे। और ये तड़का जो है हम अपने ढोकले पर डाल देते हैं।
बहुत ही बढ़िया टेस्टी ब्रेकफास्ट है, आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है ये और बहुत ही लाइट भी है। तड़का आप चाहें तो डालें, चाहें तो इसको इसी तरह से चटनी के साथ भी खा सकते हैं। आप इमली की चटनी के साथ खाएं, पुदीने की चटनी के साथ खाएं, धनिया की चटनी के साथ खा सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप उस तरह से इसको खाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसको काटते हैं बीच में से, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी जो है ये बनकर रेडी होता है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है, बड़े ध्यान से इसको काटें। ये देखिए कितना बढ़िया ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे इस नवरात्रि ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।